How are you? This is Maria Athar from the Boutique One. How is everybody doing? मैंने एक कपड़ों की तस्वीर लगाई थी कल कि आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू शो यू दोज क्लोथ्स. वो कल ही मुझे पाकिस्तान से पहुंचे. आई वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर देम और कल वो मुझे पहुंचे हैं एंड आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू रिसीव देम. इसीलिए आप लोगों के लिए तस्वीर लगाई थी और मैंने बिल्कुल देर नहीं लगाई उनको ट्राई करने में और आप लोगों को दिखाने में बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव्ड दोज क्लोथ्स. डिजाइनर डज अ वंडरफुल जॉब. हर नेम इज सहर मसूद, सहर अजहर. सहर जो है वो मेरी जेठानी भी है और हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती है, माशाल्लाह माशाल्लाह. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कपड़े खरीदे थे. आप लोगों को पता है मैंने लास्ट ईयर घर बैठ के तो पागलपन की तरह कपड़े खरीदे थे लॉन्स. अब सारी लॉन्स मैं उसी तरह बोरिंग तरीके से या अपने तरीके से सिलवाती जो सीधे सीधे होते हैं या थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेती. तो मैंने सहर को कहा कि सहर मेरे पास दो जोड़े हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही मैं कैसे सिलवाऊं, बिकॉज एक का कलर बेज सा है, लाइट बेज, और मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े सीधे कट में हो गए हैं बेज कलर में, एंड वन इज टू प्रिंटेड. तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं उनको कैसे सिलवाऊं. तो अगर मैं आपको भेज दूं तो आप सिलवा देंगी. सहर कपड़े बहुत खूबसूरत बनाती है और हमेशा से बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती है. मेरी शादी की पूरी बरी उसने बनाई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ब्यूटीफुल क्लोथ थे मेरी बरी के भी. तो मैंने सहर का, और अभी सहर ने रिसेंटली कोई 6 महीने पहले उसने डिजाइनिंग शुरू भी की थी, यू नो, एज अ प्रॉपर फैशन डिजाइनर. तो मैंने उसे कहा, सहर मैं आपसे एक फेवर मांग रही हूँ कि कपड़ा मैं भेज देती हूँ, आप कपड़ा ना लें क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, आप सिर्फ उनकी डिजाइनिंग कर दें. तो सहर ने कहा, अच्छा ठीक है भेज दो मुझे. तो इसलिए प्लीज डू नॉट गो एंड आस्क हर कि मुझे एग्जैक्टली यही जोड़ा सिलवा के दे दें, बिकॉज शी इज नॉट अ टेलर, शी इज अ डिजाइनर हु डज अमेजिंग अमेजिंग वर्क. तो अभी आप देखोगे कि मेरी वो जो कपड़े हैं वो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि किस डिजाइनर के हैं और कौन सी लॉन मैंने लिया, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट. और ये कपड़े आप सहर के ऊपर अगर छोड़ दोगे तो वो बहुत अच्छा और खूबसूरत प्रिंट्स का कपड़ा लेके आपके लिए बनाएगी, क्योंकि अब उसको ये मिलेंगे नहीं. ये जोड़ा जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है ये क्रॉस स्टिच का है, और जब ये आया भी था तो आई वॉज लाइक जोड़ा मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा था लेकिन बहुत सादा कमीज थी एंड द दुपट्टा वॉज टू डाई फॉर. तो मैंने दुपट्टे के लिए सूट खरीदा था एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू मेक इट. सो अब मैंने क्या किया कि मैंने सहर को भेजा और उसने जो कपड़े बना दिए हैं वो दुपट्टे के साथ या बगैर दोनों केसेस में इट इज स्टनिंग. सो आई विल नॉट वेट एनी मोर एंड आई विल गोना शो यू गाइस. सहर का लिंक जो है वो मैंने ऊपर शेयर कर दिया. अब ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह की सादी कमीज थी और साथ ये इन्होंने दिया हुआ था. आई लव्ड द जोड़ा. मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे जोड़ा अच्छा नहीं लगा था, ये प्रिंट देख के ही मैंने ये खरीदा था एंड द दुपट्टा क्रॉस स्टिच और इस तरह का काम बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा था. तो आई हैड बॉट इट, बट ये मैंने कोई 6 महीने से खरीदा हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसा सिलवाऊं. और अब सहर ने ऐसा सिलवा के भेजा कि मेरा ख्याल है कि दिस कैन बी वन ऑफ माय फेवरेट जोड़ास एंड माय बेस्ट जोड़ास. सो ये देखिए आप, यू नो, ये होता है जब आप किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जिसको डिजाइनिंग की सेंस हो कि एक प्रिंटेड कपड़े को उसने कितना ज्यादा अमेजिंग बना दिया कि इट इज स्टनिंग. आई एब्सोल्युटली लव द जोड़ा. Absolutely love the जोड़ा. आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा. कमीज सीधी है जिस तरह की मुझे पसंद है, लेकिन जिस तरह से उसने फिनिश किया हुआ है, ये जो लेदर लेस टाइप की लगाई हुई है थिक वाली, नीचे उसने चिकन ऐड किया हुआ है, मतलब आई जस्ट कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई लव द जोड़ा. ये रेड जो था वो मुझे बता रही थी कि ये उन्होंने और क्रॉस स्टिच वालों ने बाजुओं में डाला हुआ था. तो सहर कहती है कि मैं बाजुओं में नहीं डालना चाह रही थी, मैं थोड़ा सा प्रिंट कट करना चाह रही थी और तुम्हारे मुंह के पास इतना प्रिंट नहीं देना चाह रही थी, जिसकी वजह से ये मैंने तुम्हारे फेस के पास किया सिंपल कलर एंड देन आई एडेड अ फ्यू थिंग्स. मैंने सब कुछ सहर पे छोड़ दिया था. शी डिड अ वंडरफुल जॉब. देयर्स नॉट मच टू डू व्हेन ऑल आई कैन इज थिंकिंग अबाउट यू. द सेकंड जोड़ा, दिस वन इज बाय गुलेमन. This one is by Gulamat. Gulamat की जो कपड़ों की सिलाई हुई थी वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बट आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद द दुपट्टा. इस कमीज को देख के मैं इतना ज्यादा ना लेती उसको दुपट्टा लेके, दोनों कपड़े जो थे ना ये मैंने दुपट्टे लेके लिए देख के लिए थे, बिकॉज आई लव दुपट्टा और नए नए दुपट्टे वापस आए थे. उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही थी इनको किस तरह सिलवाऊं. ये वाला मेरे पास आधे से ज्यादा जोड़े इस कलर के थे और बिल्कुल सीधे सिले हुए थे, प्लेन सिले हुए थे. तो जब मैंने सहर को भेजा उसने ये किया गले के साथ, ये इसके अंदर ना ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, ये क्या होता है जैकार्ड सा, और ये सारा इसके नीचे बना हुआ था ये वर्साचे का प्रिंट भी. सो शी एडेड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ ऑर्गेन्जा. ये हैंडमेड बटन्स लगाए हैं उसने, ये पूरा का पूरा गला उसने बनाया है खुद से.
आई लव इट। बाजू में उसने ये डिजाइन दिया है, ये वाला साथ कपड़ा दिया था उन्होंने, तो ये उसने इस तरह करके एंड इस जोड़े को फिनिश किया है। और दुपट्टे को उसने कहा था कि मारिया इतना खूबसूरत दुपट्टा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी पीको कराऊंगी और कुछ भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि इसको कुछ जरूरत ही नहीं है करने की। सो दिस इज द सेकंड जोड़ा। मुझे समझ नहीं आ रही थी आज कौन सा पहन के आऊं, तो मैंने दोनों पहन लिया आप लोगों के सामने। आई होप यू गाइस लाइक इट, बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे, मतलब आई कैन नॉट थैंक ज़हर इनफ। सो ये वाला वॉज वाइफ गुलेमत एंड द अदर वन वॉज क्रॉस स्टिच। सहर जिसकी मैं आज बात करने आई हूँ, उसका काम बहुत नफीस, टेलर का काम बहुत अच्छा जो उसके टेलर्स हैं, क्योंकि बहुत नीट काम होता है उसका। एंड देन उसका जो वो एक अपना टच देती है ना कपड़ों में, उसे साफ पता चलता है कि कितनी मेहनत हुई है और कितने खूबसूरत कपड़े हैं ये। ये कपड़े मैं जाके बिल्कुल सीधे भी सिलवा सकती थी, बट जो इसने अपनी स्टिचिंग की वजह से चार चांद लगा दिए ना, आई जस्ट कैन नॉट हैव इनफ ऑफ देम। सो ये थे वो दो जोड़े जो मैं आपको आज दिखाने लाई थी और आपको बताने आई थी सहर मसूद, सहर अजहर के बारे में, बिकॉज शी डज अ वंडरफुल जॉब। सहर इज इन इस्लामाबाद, शी हैज अ पेज, उसके ये लिंक मैंने शेयर किए हुए, डू गो एंड सी। यार दामन की डिटेल्स कुछ भी नहीं है, ये तो कपड़े में था ना, ये जैकार्ड हुआ था कपड़े के अंदर, और फिर सहर ने उसको सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेन्जा के साथ फिनिश किया और पर्ल्स लगाए, क्योंकि वो यही कह रही थी कि मारिया इन कपड़ों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, दे आर टू ब्यूटीफुल, द शर्ट इज वेरी प्रिटी, बस मैं इसको कुछ कर दूंगी, तुम ज्यादा रंग शंग ना ऐड करो। तो वो बहुत ही अच्छा हुआ कि उसने रंग नहीं ऐड किए, क्योंकि शायद इन कपड़ों की शो में खराब कर देती कोई और कलर ऐड करके। आप लोग ये दोनों जोड़े जरूर जाके देखिएगा, जिस तरह इन डिजाइनर्स ने स्टिच कराए हुए थे और जिस तरह सहर ने मेरे स्टिच कराए, जमीन आसमान का डिफरेंस है। और जो जोड़ा 5-6 हजार का था, अब उनकी शो 20-20 हजार की हो गई है। सो दिस इज वॉट अ डिजाइनर शुड बी एंड शुड डू, कि आप जो पहनो आप उसमें अमेजिंग फील करो, एंड आई फील अमेजिंग राइट नाउ। सो गर्ल्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लव यू ऑल, सी यू गाइज वेरी वेरी सून इंशाल्लाह। मैं बहुत अरसे से आप लोगों को नए नए डिजाइन ला के नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि मेरे कपड़े आ नहीं पा रहे थे सिल के, अब आए हैं, तो आई कम आई शो यू गाइज, आई टेल यू गाइज कि लंबी कमीजें बनाओ लड़कियों, लंबी कमीजें बनाओ। साथ कैप्रीज चल रही है, अगर कैप्रीज पहनने की इजाजत नहीं है तो नो प्रॉब्लम, स्ट्रेट पैंट्स बनाओ और टखनों तक बनाओ, दे लुक वेरी वेरी प्रिटी। सो शी सेंड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके ऑलरेडी क्लाइंटेल है, उनके फ्रेंड्स, उनके जानने वाले, बिकॉज एवरीबडी नोज कि सहर मेक्स अमेजिंग क्लोथ, शी वेयर्स अमेजिंग क्लोथ, सो एवरीबडी ट्रस्ट सर। तो अब आप लोगों को भी मैंने एक बहुत अच्छी डिजाइनर का बता दिया है, जिनको आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, उनकी चॉइस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, शी डज अ वंडरफुल जॉब, कहीं डंडी नहीं मारती, कहीं 2 रुपए बचाने के लिए आपका चीज खराब नहीं करेंगी, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू।